ऐप ओपन कर लिए जो लास्ट टाइम बना रहे थे, और ज़रा मैं गो थ्रू कर लेता हूँ कि क्या आप अभी तक कर चुके हैं इसमें। ये स्क्रीन शेयर हुई भी नहीं है, इधर कर देता हूँ। एक तरफ हुई भी है, दूसरी तरफ नहीं हुई भी। ओके चलो नॉर्मल इधर भी। तो ये मैं इस फोल्डर में आ चुका हूँ, और इस ये फोल्डर जो हमारा ये नाम है फोल्डर का, इस फोल्डर में आके मैंने npm run dev चला दिया, जिससे ये सर्वर मेरा क्या हो गया, रन हो गया। ठीक है, उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, एक स्प्लिट कर लेता हूँ टर्मिनल को, और cd करके वेब में चला जाता हूँ, जो इसी फोल्डर में एक वेब मौजूद है। वेब नहीं है इसके अंदर। अच्छा, ये तो रिएक्ट थोड़ी बढ़ रहा है, सही है अभी यही है। रिएक्ट ओवरव्यू लेंगे थोड़ा सा। सही है जी। तो ये मेरा जो है ना फ्रंट एंड रन हो गया। अभी ये सिंपल प्लेन HTML है, तो हम चलो थोड़ा सा रिएक्ट का ओवरव्यू लेंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं मेरे फ्रंट एंड में क्या मौजूद है। सबसे पहले मेरे फ्रंट एंड पे एक हेडिंग है, एक फॉर्म बना हुआ है, एक मैसेजेस के लिए एक H5 है, हेडिंग नंबर 5 जो कि खाली है, और रिजल्ट के लिए एक हेडिंग नंबर 3 है, वो भी खाली है। इन दोनों में डेटा कब आएगा, मैं रैंडमली इसमें डेटा डिस्प्ले करवाऊँगा कुछ जगहों पर। अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक पोस्ट टू डू का एक फंक्शन है, जो कब चलता है, मेरे फॉर्म के सबमिट होने पे ही चलता है ये फंक्शन। ठीक है, रिटर्न फॉल्स इसलिए लगाया हुआ है ताकि पेज रिफ्रेश ना हो, और जैसे ही ये फंक्शन चलता है, ये टेक्स्ट को उठा लेता है फॉर्म में से जाके। ठीक है, जो फॉर्म के अंदर इनपुट है उसकी आईडी है टू डू है, तो इस टू डू को ये उठा लेता है, और उठा के क्या करता है, उसको पोस्ट कर देता है एक्सियोस के जरिए। कहाँ पे पोस्ट कर देता है, एक लोकल सर्वर पे पोस्ट कर देता है इसको ये। ठीक है जी। अच्छा, लोकल सर्वर पे पोस्ट करने के बाद क्या करता है, जो भी वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, जो भी वहाँ से रिस्पॉन्स आता है, तो फौरन ये गेट ऑल टू डू को दोबारा से चला देता है कि भाई क्या हो जाए, जो तमाम के तमाम टू डू दोबारा से गेट कर लिया जाए उनको। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, जो सर्वर से मैसेज आया है उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देता है, और 2 सेकंड बाद उसको गायब करवा देता है उस मैसेज को। अच्छा, अब गेट ऑल टू डू का जो फंक्शन है वो कैसे काम करता है, वो रिक्वेस्ट भेजता है गेट की एक लोकल सर्वर पे, जो कि लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा है मेरे, और वो फिर क्या करता है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, जो भी रिस्पॉन्स वहाँ से आया है उसको क्या करता है, मैप चला के कहाँ पर डिस्प्ले करवा देता है, रिजल्ट वाले डिप में। लेकिन ये मैप चला के डिस्प्ले करवाने से पहले वो उस रिजल्ट वाले डिप को पहले खाली करवाता है, खाली करवा के और फिर उसके बाद डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, अगर ये खाली नहीं करवाऊंगा मैं, तो वो डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार चलेगा वो अपेंड होता जाएगा नीचे। ठीक है, अच्छा, गेट ऑल टू डू मैंने वैसे भी एक बार रन किया हुआ है, वैसे एक बार इसलिए रन किया हुआ है कि पेज लोड होते ही ना सारे टू डू गेट हो गए स्क्रीन पर आ गए, और सेट इंटरवल लगा के मैंने हर 5 सेकंड पर गेट ऑल टू डू को गेट करवाया हुआ है। ठीक है, ताकि हर 5 सेकंड पर वो दोबारा गेट करे, ताकि कहीं से भी कोई अगर नया टू डू ऐड करता है तो मेरे पास वो रियल टाइम में शो हो जाए 5 सेकंड के वक्फे से। ठीक है जी, तो ये मेरा फ्रंट एंड है इस वक्त। अच्छा, ये मेरा बैक एंड है, इसमें पोस्ट गेट डिलीट और सारे डिलीट, ये 4 इसके अंदर APIs इस वक्त बनी हुई है। नंबर एक, ये हम REST API के जो 5 प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे पिछले दिनों, अगर किसी ने वो क्लास मिस कर दिए तो उसकी रिकॉर्डिंग देख सकता है। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि आपका जो जो URL है ना वो टू डू ही रहेगा। पोस्ट है तो इसका मतलब है टू डू ऐड किया जा रहा है डेटाबेस में, अगर गेट है तो इसका मतलब है टू डू मंगवाया जा रहा है, और अगर एस लगा हुआ है टू डूज है प्लूरल में लिखा हुआ है अगर, तो इसका मतलब है कि एक से ज़्यादा टू डू आ रहे हैं, यानी कि तमाम टू डूज आ रहे हैं। अच्छा, अगर टू डू है और साथ में रिक्वेस्ट है डिलीट की, तो इसका मतलब है कि टू डू को डिलीट किया जा रहा है, सही है, और अगर इसमें एस लगा हुआ है इसका मतलब है एक से ज़्यादा को डिलीट किया जा रहा है। अच्छा, उसके बाद डिलीट है और टू डू है, तो इसका मतलब है टू डू को डिलीट किया जा रहा है, लेकिन इसमें एस नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है एक टू डू डिलीट होगा, तो उसके लिए मुझे आईडी भी चाहिए, तो उसके आगे आईडी भी मौजूद है, सही है। तो ये REST API के प्रिंसिपल्स हैं। तो 4 हमने API बना ली थी, अब इसमें से रह कौन सा गया, एक सिंगल डिलीट वाला और मल्टीपल डिलीट वाला, ये दोनों हमने बना लिया था। अब हमें अपडेट वाला बनाना है, अपडेट वाला इसके बीच में ही बना लेता हूँ।
मैंने कहा ऐप डॉट गेट और अपडेट करने की, सॉरी पुट होगा ना, अपडेट के लिए वो पुट होता है, ठीक है। अच्छा मैंने कहा भाई ऐप डॉट पुट और इसमें क्या लिखूंगा मैम, स्लैश टू डूज लिखूंगा या बगैर एस वाला, सिर्फ टू डू लिखूंगा। इसका मतलब है कि सिंगल टू डू को अपडेट किया जा रहा है, तो यहाँ पे मुझे फिर क्या चाहिए होगी, एक आईडी भी चाहिए होगी कि भाई कौन सा वो टू डू है, जो वो सिंगल टू डू कौन सा है जिसको डिलीट, जिसको अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया जी मेरे पास। अच्छा अब मेरे पास क्योंकि आईडी मौजूद है तो MongoDB में मेरे पास फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट का एक फंक्शन मौजूद है, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा ये मैं कहाँ से देख के लिख रहा हूँ, ये मैं MongoDB की डॉक्यूमेंट, मोंगोस हम यूज़ कर रहे हैं, मोंगोस डॉक्स, सही है। इसमें मैं मोंगोस के डॉक्यूमेंटेशन में आ गया और डॉक्यूमेंटेशन में आने के बाद मैं यहाँ पे गया क्वेरीज पे, गया क्वेरीज पे ना, मुझे ये बता देगा कि क्वेरी कौन कौन सी है अवेलेबल, तो इसने ये तमाम की तमाम क्वेरी मुझे बता दी। तो मैं कौन सा वाला यूज़ कर रहा हूँ, फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट, ये वाला, ये वाला यूज कर रहा हूँ मैं, ठीक है जी। और इसमें अपडेट के लिए और कौन सा है, कोई और है क्या, फाइंड वन एंड अपडेट भी है, ठीक है। फाइंड वन एंड अपडेट में जो क्राइटेरिया है ना सर्च का, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइंड बाई आईडी एंड अपडेट में ना क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ आईडी हो सकती है, कोई और दूसरी चीज नहीं हो सकती, ठीक है। तो मेरे पास क्योंकि आईडी मौजूद है तो मैं ये वाला कर लेता हूँ। इसको पहले पैरामीटर में मुझे आईडी देनी पड़ती है, रिक्वेस्ट डॉट पैराम्स डॉट आईडी मैंने लिख दिया, ठीक है। और सेकंड वाले में मुझे क्या देना पड़ता है कि अपडेट क्या करना है वो मुझे देना पड़ता है, सही है, सेकंड वाले में। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, थर्ड क्या है इसका, थर्ड देख लेते हैं क्या पैरामीटर है। ओके ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी यार यहाँ से देख लेते हैं, समझ में नहीं आ रही, ठीक है। इस डॉक्यूमेंट में आ जाता हूँ मैं, यहाँ से देख लेता हूँ आगे। यहाँ पे इन्होंने नीचे एग्जांपल बताई दी है, सबसे पहले आईडी, उसके बाद अपडेट वाला ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑप्शंस अगर कोई है ऑप्शंस तो, उसके बाद कॉल बैक, ठीक है, ऐसे करके कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा हम ना ये कॉल बैक वाला तरीका नहीं करेंगे, हम बगैर कॉल बैक वाला तरीका करेंगे, हम इसमें डॉट एक्जी करके लगा के देखेंगे, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई डॉट एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जी स्टैंड्स फॉर एग्जीक्यूट। तो मैंने कहा कि टू डू मॉडल डॉट फाइंड वन एंड अपडेट, दो पैरामीटर जो उसको चाहिए थे रिक्वायर्ड जो थे वो मैंने दे दिया, और ये इतनी चीज़ मुझे क्या रिटर्न करती है, क्वेरी रिटर्न करती है, क्वेरी। और उस क्वेरी पे मैं क्या लगा सकता हूँ, एग्जीक्यूट लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने ये क्वेरी के ऊपर क्या लगा दिया, एग्जीक्यूट लगा दिया। और हम चूँकि एसिंक का वेट वाला तरीका हम कर रहे हैं, है ना, हमने लास्ट कौन सा किया था, एसिंक का वेट वाला किया था, नहीं यार हमने एसिंक का वेट नहीं किया था, चलो ये भी बता देता हूँ, सही है। फंक्शन मेरा होगा एसिंक, एक तो कॉल बैक था ना, ये एक दूसरा तरीका है उसका, ऐसे अवेट, ठीक है, दूसरा ये वाला दूसरा तरीका है, एसिंक का वेट से भी ये काम होता है, ये जदीद तरीका है थोड़ा। मैंने कहा लेट अपडेटेड इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब ये जो अपडेटेड है ना, देखो लास्ट वाले में क्या होता था, जब फाइंड बाई आईडी करता था मैं और ये एरर और डेटा ऐसे करके मुझे मिलता था, अब मैं कहता था नॉट एरर है तो इसका मतलब है ये, ठीक है। लेकिन अब मुझे ये डेटा जो है, ये डेटा जो था, ये मुझे ये कहाँ मिलेगा, ये मुझे यहाँ मिलेगा, बल्कि उसको डेटा ही कर देता हूँ, ठीक है, डेटा कर देता हूँ। अब इसमें एरर कैसे पकड़ में आता है, वो ट्राई कैच से पकड़ में आता है, सही है, वो ट्राई कैच से पकड़ में आता है, सही है। देख रहे हो ये यहां पे जो है ना, ये जो इतना कोड चलेगा, अगर ये लाइन नंबर 61 में मेरा कोड पहुंचता है, इसका मतलब है ये क्वेरी बिल्कुल सही चल गई है, जब ही लाइन नंबर 61 में पहुंचा है। और अगर इसमें कोई एरर आ गया ना, तो सीधा ही आ जाएगा कैच के अंदर, ठीक है। और कैच के अंदर मैं क्या बोलूँगा इसको, कैच के अंदर मैं वही बात बोल दूंगा जो यहाँ बोलता था, ठीक है। तो ये दोनों तरीके हमने करके देख लिए, और अगर सक्सेसफुल होगा तो मैं क्या बोलूँगा,
वही बात जो मैं यहाँ पे बोलता हूँ, ठीक है, मैं बोलूँगा भाई रिस्पॉन्स डॉट सेंड और टू डू इज अपडेटेड। सही है, और डेटा के अंदर जो डेटा आएगा वो मैं भेज दूंगा। अच्छा, इसके अंदर ना ऑप्शन में एक चीज़ होती है, वेल अच्छा इस डेटा को ना मैं स्क्रीन पे यहाँ पे कंसोल भी करवा लेता हूँ कि इसमें आता क्या है। सही है, इसको मैंने स्क्रीन पे यहाँ पे कंसोल भी करवा लिया कि अभी इसमें आता क्या है। अब मैं इसको किससे कॉल करूँगा, फिलहाल मैं इसको थंडर से कॉल करूँगा, जो थंडर क्लाइंट है मेरा उससे कॉल करूँगा, ठीक है, क्योंकि नॉट मॉन चल रहा है तो मुझे सर्वर को रीस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी मैं सेव करता हूँ तो सर्वर ऑटोमेटिकली मेरा रीस्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब मैं टू डू और स्लैश उसकी आईडी से जो है इसको हिट करके देखूँगा। अच्छा, पहले तो मुझे क्या चाहिए होगा कि मैं तमाम टू डूज को गेस्ट कर गेट करूँ, है ना, गेट और टू डूज। तो मेरे पास ये तमाम के तमाम टू डूज ना आ गए यहाँ पे, ठीक है। इधर से मैं ज़रा एक काम करता हूँ, हाँ ये जो लास्ट में एबीसी और एबीसी, ये दो बार जो एबीसी लिखा हुआ है ना, इस वाले को मैंने अपडेट करना है, और इस वाले को अपडेट करके इसमें कोई नया डेटा रख दूंगा मैं। अब यहाँ से मैं इसको गेट करता हूँ ना तो ये लास्ट में बिल्कुल आ रहा होगा, ये दो बार जो एबीसी लिखा हुआ है, इसकी आईडी मैंने यहाँ से क्या कर ली, कॉपी कर ली, और कॉपी करने के बाद अब मैं पुट की रिक्वेस्ट करूँगा और स्लैश टू डू स्लैश आईडी, ठीक है, और टेक्स्ट मैं यहाँ से लिख के भेजूँगा कि दिस इज अपडेटेड टेक्स्ट। सही है, इसको मैं सेंड का बटन दबाऊंगा तो यह क्या लिखा हुआ है, टू डू इज अपडेटेड सक्सेसफुली, और डेटा के अंदर इसने ना, ये डेटा के अंदर इसने पुराना वाला टू डू ला कर दिया है मुझे, जो अपडेट होने से पहले जो ये था ना वो वाला ला कर दिया मुझे, ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँ तो अपडेट होने के बाद वाला भी मंगवा सकता हूँ, इसमें मेरे पास ऑप्शन में ना यहाँ लिखा हुआ होता है कि न्यू इक्वल्स टू ट्रू, ऐसे करके होता है एक ऑप्शन, ऐसे ना ऑप्शन में एक न्यू इक्वल्स टू ट्रू लिखा हुआ होता है। अगर मैं न्यू को ट्रू कर दूं ना तो वो फिर नया वाला डेटा ला के देने लगता है मुझे। ये रहा, ठीक है, ऑप्शन जो है ना तीसरा पैरामीटर इसमें ऑप्शन होता है, ये कॉमा डाल के मैंने थर्ड पैरामीटर, इसमें मैं न्यू लिखूंगा और न्यू, और इसको मैं ट्रू करवा देता हूँ अगर न्यू को, सही है, तो फिर ये क्या करने लगेगा, फिर ये मुझे नया वाला डेटा ला के देने लग जाएगा। सही है, न्यू ट्रू करवा दिया मैंने। अब देखो, अब मैं कोई भी आईडी अपडेट करूँगा, अच्छा इसी को दोबारा से अपडेट करता हूँ, ठीक है, इसमें मैं लिख देता हूँ सेकंड अपडेट और सेंड का बटन दबाऊंगा, तो देखो अब मुझे क्या ला कर दिया इसने, अपडेटेड वाला डेटा ला कर दिया। तो ये दोनों ऑप्शन है, समटाइम आपको अपडेट होने से पहले वाला चाहिए होता है एज अ रिजल्ट, समटाइम आपको अपडेट होने के बाद वाला चाहिए होता है एज अ रिजल्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे आकर देखेंगे, क्योंकि ये ऑटो रिफ्रेश हो रहा है हर 5 सेकंड बाद, तो यहाँ पे मुझे ये अपडेट वाला दिखना शुरू हो गया, ठीक है। तो ये अपडेट हमने कॉल कर ली, अपडेट की एपीआई हमने कंप्लीट कर ली है अभी राइट नाउ। अच्छा, और कौन सी एपीआई रह गई हमारी, हाँ हो गई, मेरे ख्याल सभी हो गई, ये पुट वाला ऑप्शन खोल, पुट वाला ऑप्शन खोल, इसमें गेट पोस्ट पुट डिलीट, ये चार मोस्ट कॉमन है, उसके अलावा पैच हेड और ये सारे ना, ये आमतौर पे हम नहीं कॉल कर रहे होते, ये ब्राउजर और ये आपस में मशीनें एक दूसरे को कॉल करती होती है, वो वाला सीन है। जैसे ऑप्शन की रिक्वेस्ट ना, हर जफा जब पोस्ट करते हो आप, तो पोस्ट से पहले ऑप्शन की रिक्वेस्ट लगाता है गूगल क्रोम आपके सर्वर पर, लेकिन वो आप नहीं उसको हैंडल करते, वो कॉर्स के जरिए हैंडल हो जाता है, ठीक है, क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट के तौर पे ना हैंडल हो जाता है, ठीक है जी। तो ये हमने चारों की चारों, अच्छा अब नोट करो, देखो एक टू डू को लेकर कितनी एपीआई बनी है, एक एपीआई, दो, तीन, चार, पाँच, ये 5 एपीआई बनी है। अच्छा,
इसमें मजीद API भी बन सकती है। कौन सी वाला? जैसे अभी सिंगल टू डू को गेट करने की हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सही है। सिंगल टू डू को गेट करने के लिए अगर हमें मुझे चाहिए होगा तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं लिखूंगा टू डू स्लैश और उसकी ID, तो जो भी टू डू होगा वो मैं गेट कर लूँगा उसके ज़रिए, ठीक है। लेकिन अभी मुझे फ़िलहाल उसकी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह पोस्ट जो है, अभी पोस्ट में सिंगल टू डू पोस्ट होता है, ठीक है। मल्टीपल टू डू भी एक साथ पोस्ट करने की API बना सकता हूँ मैं, ठीक है, जिसमें एस लगा होगा, फिर वो बॉडी में एरे लेकर आएगा अपने साथ, ठीक है। तो दो यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। उसके अलावा पुट में अपडेट में मल्टीपल अपडेट भी होता है, बैच अपडेट जिसको कहते हैं, तो वो भी मैं बना सकता हूँ। उस सूरत में फिर क्या होगा, बॉडी में एरे होगा, एक एरे होगा और IDs का, और दूसरा एरे होगा कि उन IDs को अपडेट क्या क्या करना है, ठीक है। जैसे YouTube वगैरह पे या किसी दूसरी जगह पे आप करते हैं चेक 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 लगाते हैं और आप अपडेट कर देते हैं कि भाई इन सारी वीडियोस को पब्लिक कर दो या प्राइवेट कर दो, ठीक है। जैसे आप Google Drive में जाते हैं चेक 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 लगाते हैं और आप बोलते हैं कि यार इन तमाम फोल्डर को फला जगह मूव करवा दो, ठीक है। तो इस तरह से भी अपडेट हो रहा होता है। अच्छा, इसी तरह डिलीट में भी हमारे पास दो हैं, एक टू डूज जिससे सारे का सारा डिलीट हो जाता है और एक सिंगल टू डू को डिलीट करने का है। एक टू डूज में ना ऐसे स्लैश करके ना आईडी वाला भी बनता है, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि हमेशा आप तमाम के तमाम को डिलीट करवाना चाहो। जैसे आप जीमेल में जाते हैं तो आप उस पर चेक लगाते हैं 6-7 ईमेल पे और फिर आप कहते हैं डिलीट, तो वो सिंगल ईमेल भी नहीं डिलीट हो रही और सारी की सारी भी नहीं हो रही, वो बीच का कोई केस है कि 6-7, 10-12 डिलीट हो रही। गूगल ड्राइव में भी ऐसे होता है, 4-5 फाइलें सेलेक्ट करके आप उसको डिलीट कर देते हैं। तो एक इसमें ना ऐसे वाला भी होगा, तो इस आईडी के की जगह पे आप क्या देंगे, वो तमाम आईडीज़ का एक एरे देंगे बॉडी के अंदर कि भाई इन सबको डिलीट करवाना है, ऐसे करके भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो ये APIs हमारे पास वैसे कहने को तो चार होती है, करंट ऑपरेशन होता है, लेकिन इस चार के अंदर ना 8-10 के करीब भी API बन रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, तो मेरा ख्याल है अभी टू डू के लिए ना हमारा ये करंट ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है। पुट वाला क्या, पुट वाला क्या समझा नहीं, ये लो ओपन करती है, ये एसिंक क्या ना, ये एक नया तरीका है, ये भी सीख लो थोड़ा सा। कॉल बैक वाला तो कर ही रहे हो इतने दिन से, सही है। ये जस्ट लिखने का तरीका अलग है, बैक एंड पे काम वही हो रहा है, सही है। दिस इज ES6, ये ES6 है, ये एसिंक कमेंट, ठीक है। ये कॉल बैक वाला जो था वो तो बहुत पुराना है, कॉल बैक के बाद फिर आया था प्रोमिसज और उसके बाद आया ये। तो हमने कॉल बैक पढ़ा था पहले, जो आसान है, जो सब जगह डॉक्यूमेंट्स में भी है। उसके बाद हमने प्रॉमिस को स्किप करके डायरेक्ट हम एसिंक कमेंट पे आ गए, ठीक है। जो सबसे लेटेस्ट वाला है वो एसिंक कमेंट है। अब हम चलते हैं ज़रा इसको UI के ऊपर अपने इंटीग्रेट कर लेते हैं। UI के ऊपर इंटीग्रेट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा index.html की फाइल में, और इन सब के साथ मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एक बटन बनाना पड़ेगा, डिलीट का बटन, ऐसा ही है ना। कैसे बनेगा वो डिलीट का बटन, जहाँ पे मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ वहीं पर डिस्प्ले करवाने के साथ साथ मुझे ये काम करवाना पड़ेगा। जैसे ये ईच टू डू लिखा हुआ है ना, मैंने ईच टू डू लिखा हुआ है, इसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक अदद बटन भी ऐड करवाऊँगा। अच्छा, बटन लिखना पड़ेगा हाथ से, बटन ऐड करवाऊँगा मैं, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ होगा, डिलीट, सही है, डिलीट। रिफ्रेश किया मैंने, देखो डिलीट का बटन आ गया सबके साथ। अब इसके क्लिक पे काम क्या होगा, अच्छा पहली बात तो ये डिलीट का बटन बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है, इसके साथ क्या किया जाए, एक होता है %NBSP, ठीक है, इससे ना स्पेस दे देता है एक ऑटोमेटिक, तो मैं ये दो स्पेसेस लगा देता हूँ इसके पास में, ठीक है, थोड़ा दो स्पेस मैंने लगा दिए, मेरा ख्याल इतना काफ़ी है, ठीक है। अच्छा, इस बटन के अब ऑन क्लिक पे क्या हो, ऑन क्लिक पे इसके क्या होना चाहिए, एक फंक्शन चलना चाहिए जिसका नाम क्या हो, डिलीट टू डू,
सही है। और डिलीट टू डू का फंक्शन जब चले तो इसको अंदर क्या मिलनी चाहिए, उस टू डू की आईडी मिलनी चाहिए, है ना। कैसे मिलेगा उस टू डू की आईडी? टेम्पलेट लगाया मैंने यहाँ पर, और मैंने यहाँ पे कहा ईच टू डू डॉट अंडरस्कोर आईडी, सही है। रिफ्रेश किया मैंने इसको, यहाँ इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं कि ऐसा जो मैंने किया है वाकई वैसा हो गया कि नहीं हो गया। अच्छा ठीक है, देखो अब गौर से देखो, हर टू डू का जो बटन है उसके साथ ये डिलीट टू डू और अंदर एक आईडी आ रही है, अंदर एक आईडी आ रही है, अंदर एक आईडी आ रही है। जब ये बटन प्रेस होगा तो ये डिलीट टू डू का फंक्शन कॉल हो जाएगा और उसमें पहले से ही आईडी मौजूद है, उसी टू डू की आईडी मौजूद है, राइट। ठीक है, डिलीट टू डू का मैंने स्पेलिंग गलत लिखी है, DELETE, डिलीट टू डू, सही है। डिलीट टू डू के नाम से अभी कोई फंक्शन मौजूद नहीं है तो मैं जल्दी से बना लेता हूँ ये फंक्शन। डिलीट टू डू के नाम से फंक्शन बना लेता हूँ, लेट डिलीट टू डू इक्वल्स ES6 का फंक्शन बना लो आप। ठीक है, एक ही बात है ना, यहाँ पे मैंने फंक्शन ES5 का बनाया हुआ था, यहाँ पे ES6 का बना लिया फंक्शन में। सो ये सब लोगों को पता है ES6 का फंक्शन, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। ठीक है, इसको भी ES6 का ही बना दूंगा मैं वैसे। यहाँ पे मुझे क्या मिल रही है इसके पैरामीटर में, आईडी मिल रही है। ठीक है, और इस आईडी के साथ मैंने क्या करना है अभी यहाँ पे, एक्सियोस कॉल करना है, एक्सियोस डॉट डिलीट, सही है। और डिलीट के अंदर क्या, http://localhost3000/todo, क्योंकि todo को डिलीट किया जा रहा है, स्लैश और आईडी। ये URL जब हिट होगा तो इस आईडी की जगह पे क्या रहा होगा, जो भी आईडियां मिली वो आ रही होगी। ठीक है, और इसको क्या कर देते हैं, इसको भी async await वाला बना देते हैं। पहले हम ये करते थे ना, डॉट देन लगाते थे यहाँ पर, सही है। अब हम डॉट देन नहीं लगाएंगे, अब हम लगाएंगे await, सही है, await लगा दिया मैंने यहाँ। अच्छा, await करने के लिए मुझे इसको async बनाना होता है। ठीक है, अच्छा ES5 का फंक्शन भी async बन जाता है, जैसे यहाँ इसको भी मैं अगर async बनाना चाहूँ ना तो async ये बन जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन अब हम बिल्कुल नया वाला सिंटैक्स पढ़ रहे हैं। अच्छा, और इसके ऊपर लगता है डॉट, जब भी ये वाला काम होता है ना अवेट वाला, तो इसको हम करते हैं ट्राई कैच के अंदर। ओहो सही है, इसको हम करते हैं किसमें, ट्राई कैच के अंदर। अगर इस लाइन में कोई भी एरर आया इंटरनेट के रिक्वेस्ट में, ये डायरेक्ट कैच में आ जाएगा, सही है। तो कैच में मैंने क्या बोला, मैंने कहा कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है, एरर, और जो भी एरर है वो मैंने यहाँ पे स्क्रीन पर प्रिंट करवा दिया। एरर मुझे वैसे तो स्क्रीन पे दिखाना चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं एरर को स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, टाइम बचाने के लिए, क्योंकि क्लास को ख़त्म भी करना होता है ना, एक घंटे में पूरा करना होता है। ठीक है, वैसे इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि अगर यहाँ पे कोई एरर का मैसेज है तो उसको स्क्रीन पे कैसे दिखाना है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। आप लोग पहले वो स्वीट अलर्ट करके एक चीज़ थी वो यूज़ करते रहे आप लोग, तो उसके ज़रिए आप दिखा सकते हैं रेड कलर में। ठीक है, उसके अलावा जैसे मैंने यहाँ पे एक वो बनाया हुआ है मैसेज का, ये बनाया हुआ है, इसमें भी आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ सिर्फ अभी। अच्छा, तो अगर ये मतलब सही तरह से चल गया और इसमें कोई एरर नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि सक्सेसफुल हुआ है डिलीट। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और इसको मैं बोलूँगा कि जो भी सर्वर से मैसेज आया है वो यहाँ पर डिस्प्ले करवा दूँगा। एरर सही तो अच्छा मैसेज था इसका नाम, सही। और मैसेज के इनर एचटीएमएल में बनेगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज
यही भेजता था मैं बैकएंड से, देख लेते हैं जरा इसको, सिंगल टू डू डिलीट में मैं क्या भेजता हूँ, मैसेज भेजता हूँ सही, टू डू हैज बीन डिलीटेड सक्सेसफुली, दैट इज दैट्स इट। और मैं क्या करूँगा इसको सेट टाइम आउट लगा के 2 सेकंड बाद इसको मैं डिलीट भी करवा दूंगा, यानी इस मैसेज को मैं खाली करवा दूंगा। सही है, सेट टाइम आउट लगा के मैंने कहा अभी पहले डिस्प्ले करवाओ और 2 सेकंड बाद इसको गायब करवा दो यहाँ से, ठीक है। अच्छा, ये सब कुछ करने के साथ साथ मुझे क्या करना है, जैसे ही मेरा डिलीट सक्सेसफुल होता है मैंने गेट ऑल टू डू को दोबारा से कॉल करवाना है, ठीक है ना, क्योंकि डिलीट हो गया, मेरे पास स्क्रीन से डिलीट नहीं हुआ अभी तक, वो मैं गेट ऑल टू डू करूँगा, नए सिरे से तमाम टू डू को लोड किया जाएगा, पुराना हटेगा तो फिर वो रिफ्लेक्ट होगा। देखते हैं कैसा हो रहा है या नहीं हो रहा जो हमने सोचा है। मैं इस पर डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ, गया गया, लोडर हाँ, आइकन आइकन, यस ऑफ कोर्स यार, आइकन बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। पहले तो मुझे एक चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो रही है यहाँ पे, कि जब मैं डिलीट का बटन दबाता हूँ वो मैसेज आता है और फिर गायब होता है, ये बहुत ही एक वाहियात चीज़ लग रही है मुझे। उसका हल ये है कि इस मैसेज को मैं एक फिक्स हाइट दे दूँ, फिक्स हाइट मैं इसको दे दूँ एक ना, तो मैंने इसको कहा स्टाइल हाइट जो है ना आपकी वो 20 पिक्सल आपकी हाइट है फिक्स, अभी आपको ना आगे पीछे नहीं होना, हिलना नहीं है इधर से, सही है 20 पिक्सल मैंने इसको, अभी आई थिंक सेट हो गया मेरा। अब मैं यहाँ से डिलीट दबाऊंगा तो मेरी यूआई पहले हिल रही थी, ऊपर से नीचे भाग रही थी यूआई ना, तो वो नहीं हो रहा, अब मेरी यूआई कंसिस्टेंट है। और शायद मुझे ये मैसेज का टाइम भी कुछ बढ़ा देना चाहिए, 2 सेकंड से इसको मुझे क्या 3 सेकंड कर देना चाहिए, सही है 2 सेकंड काफ़ी है, ठीक है। जब थोड़ी सी स्टाइलिंग लगा दी है तो इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, कलर भी इसका चेंज कर देता हूँ, मैंने कहा कलर आपका जो है ना वो रेड है, सही है कलर रेड है आपका, कोई भी चीज़ यहाँ पे से डिलीट होगी कुछ भी होगा कोई भी मैसेज आएगा तो वो रेड कलर से शो होगा। अब एक बटन हम डिलीट ऑल का भी बना देते हैं, सही है एक बटन हम डिलीट ऑल का भी बना देते हैं। अच्छा, डिलीट ऑल का बटन बनाने के लिए मुझे इस रिफ्रेश के पड़ोस में शायद बनाना चाहिए, है ना, इस रिफ्रेश के साथ साथ ही मैं क्या बना देता हूँ एक अगर डिलीट का बटन, गेट ऑल टू डू था मैंने कहा गया डिलीट ऑल टू डू, ठीक है डिलीट ऑल। अब ये डिलीट ऑल टू डू में मैंने क्या करना है, सेम यही काम करना है जो मैंने इस वाले में किया है, लेकिन इस बार मुझे क्या करना है, URL थोड़ा सा डिफरेंट कॉल करना है। डिलीट ऑल टू डूज में मैंने ID मुझे नहीं चाहिए ना, मुझे ID मिल रही है इसके अंदर, मुझे टू डू के साथ यहाँ पे S लगा देना है। अब ये क्या करेगा, तमाम टू डूज को उड़ा देगा, ठीक है टू डूज नहीं है, नहीं नहीं बनाई है ना हमने टू डूज, नहीं अच्छा ये एस मैंने हटा दिया था शायद, ये एस तो लगेगा ना इसमें, डिलीट मैं नहीं हो रहा है सब के सब डिलीट हो रहे हैं, ये डिलीट एस मैंने शायद गलती से हटा दिया था, लेकिन ये लगा दिया मैंने वापस, थैंक यू यार बता दिया उसने। अच्छा, अब ये डिलीट ऑल टू डू का बटन जब मैं प्रेस करूँगा तो काम तो सारा का सारा वही हो रहा है, ठीक है काम तो सारा का सारा वही हो रहा है, बट इसमें एक चीज़ डिफरेंट होगी, एक चीज़ डिफरेंट ये होगी इसमें कि मैं जो गेट ऑल टू डू कॉल करता था ना, शायद मुझे अब ये नहीं करना चाहिए, मुझे करना चाहिए उसको मैं एम्प्टी करवा दूँ, इस डिव को, रिजल्ट वाला जो डिव है ना इसको मैं एम्प्टी करवा दूँ पूरे के पूरे डिव को, है ना, क्योंकि डिलीट हो चुका है सारा मुझे वैसे ही पता है। तो मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और इसके अंदर रिजल्ट डॉट इनर HTML इक्वल्स टू एम्प्टी, ठीक
ठीक है, मुझे पता है मैंने डिलीट करवा दिया तो मैं इसको खाली करवा देता हूँ। वैसे तो 5 सेकंड बाद उसने खुद ही खाली हो जाना है, अगर मैं इसको नहीं भी लगाता हूँ, इसको मैं रोक देता हूँ फिलहाल, तो वो 5 सेकंड बाद उसने खुद ही खाली हो जाना है, ठीक है। लेकिन वो 5 सेकंड बाद होगा, ये डिलीट का बटन दबा चुका हूँ मैं, अब ये 5 सेकंड बाद गायब होगा, सही है, क्योंकि वो सर्वर से तो डिलीट हो गया लेकिन वो गेट ऑल टू डू थोड़ी देर बाद चल रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे क्या ऑप्शन है कि या तो मैं गेट ऑल टू डू जल्दी से चलवा दूँ, गेट ऑल टू डू जल्दी से चलवा दूँ यहाँ पे मैं, फिर क्या होगा, फिर ये जल्दी डिलीट हो जाएगा, सही है। अब ये मैंने डिलीट ऑल टू डू का बटन ये दबा दिया, लेकिन फिर भी क्या होता है कि सर्वर से वो तमाम के तमाम टू डू को आने में थोड़ा सा टाइम लगता है शायद, मे बी, तो इसलिए वो थोड़ी देर में मुझे डिलीट का इम्पैक्ट नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया भाई, सारे टू डू इधर मंगवा लिए, पेज को रिफ्रेश भी कर लेते हैं एक बार। अब मैंने डिलीट ऑल का बटन ये प्रेस कर दिया, अब फौरन हुआ, अगर मैं पेज रिफ्रेश किए बगैर करूँ तो ये दबा दिया, फौरन हो रहा, ठीक है। तो मेरे पास ये एक ऑप्शन है, बट ये ऑप्शन सही नहीं है। पूछो क्यों सही नहीं है, वो सही इसलिए नहीं है कि मुझे तो पता है सारे के सारे टू डू डिलीट हो चुके हैं, मैं गेट ऑल टू डू करके एक एक्स्ट्रा API क्यों डालूँ अपने सर्वर में, ठीक है। तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है, अप्रोप्रिएट ये है कि मैं उसको यहीं से खाली करवा दूँ। इसमें क्या होगा, बिल्कुल इंस्टेंट होगा रिजल्ट आपका, सही है। ये मैंने क्लिक किया और ये गेट ऑल टू डू क्लिक किया, ठग गया, सही है। मैंने सारे टू डू ऐड किए और टू डू ऐड करने के बाद डिलीट दबाया, गायब। लेकिन ये मैसेज भी गायब हो जा रहा है, ये क्या सीन है यार। ओ, ये मैसेज पता है क्यों गायब हो रहा है, समझ आ गई है मेरे। असल में वो जितनी बार मैं ऐड कर रहा हूँ उतनी बार रिस्पॉन्स आ रहा है और उतनी बार सेट टाइम आउट लग रहा है, तो वो एक सेट टाइम आउट उसको दूसरा और दूसरा उड़ा दे रहा है। खैर ठीक है, हमें इतना मसला नहीं है क्योंकि नॉर्मली वो इतनी स्पीड से टू डू ऐड नहीं करेगा, और अगर इतनी स्पीड से वही कर रहा है तो वो मतलब उसका है कि वो इतना एक्सपीरियंस हो गया है इस ऐप के साथ कि उसको मैसेज देखने की ज़रूरत नहीं है, है ना। अच्छा, अब मैं डिलीट ऑल का बटन मैंने दबाया तो ये फौरन डिलीट हो, सही, ये हमारा मसला बेहतरीन ज़बरदस्त हल हो गया। अच्छा, अब मैंने एक काम और आखिरी करना है, एडिट टू डू का बटन बनाना है मैंने, कि ये टू डू एडिट कैसे होंगे। एडिट करने का भी सेम तरीका है, मैं एक बटन यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एडिट का भी बटन लगाऊंगा मैं, ये मैंने कॉपी किया और मैंने ये एक बटन यहाँ पे लगा दिया जिस पे मैंने लिखा कि एडिट, सही है, एडिट का बटन मैंने शो करवा दिया। एडिट के बटन में भी ये आईडी मौजूद है, लेकिन मुझे क्या एडिट के बटन में ये आईडी देनी चाहिए, एडिट के बटन का बिहेवियर क्या होगा, पहले तो एक सवाल ये, एडिट के बटन का बिहेवियर क्या होना चाहिए, जैसे ही एडिट का बटन दबाया वो ऊपर ले जाए, यानी ओरिजिनल टेक्स्ट बॉक्स में लेके चला जाए, नहीं। अभी इसमें मेरा सवाल ये है, ये यूज़र एक्सपीरियंस का इशू हो जाएगा, इशू ये हो जाएगा कि मैंने एडिट दबा दिया, ये टेक्स्ट उठ के टॉप पे चला गया, अब मैं इसको कैंसिल कैसे करूँगा, मुझे अगर इसको कैंसिल करना है तो कैंसिल कैसे करूँगा, हाँ? एक दोस्त हमारे कह रहे हैं कि प्रॉम्प्ट से भी किया जा सकता है, प्रॉम्प्ट से किया जा सकता है लेकिन प्रॉम्प्ट अब यूज नहीं करते, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ब्लॉकिंग कोड है वो ना, हाँ, लेकिन प्रॉम्प्ट के जैसा कोई दूसरा, जैसे स्वीट अलर्ट वगैरह इस तरह की कोई चीज़ अगर हो उससे हम कर सकते हैं, उसी जगह पे अगर कर दें तो ये ज़्यादा बेस्ट है। जो टू डू लिखा हुआ है ना, वो टू डू का लिखा हुआ टेक्स्ट ही एक इनपुट बॉक्स में कन्वर्ट हो जाए, है ना, अगर ऐसा हो जाए तो बेस्ट है, ठीक है। तो ये करने के लिए मुझे क्या करना होगा, ये करने के लिए मुझे कि मुझे यहाँ पे एक अदद इनपुट बॉक्स भी बनाना होगा जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हिडन होगा, सही है, ठीक है। इसके लिए मुझे एक काम और करना होगा कि ये जो टू डू का मैं टेक्स्ट लिखता हूँ ना, इसको भी मुझे एक स्पैन में लिखना होगा, है कि नहीं। अगर मैं इसको स्पैन में लिखूंगा ना तो मैं इसको हाइड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे दो चीज़ बनाऊँगा, एक बनाऊँगा इनपुट बॉक्स
जिसमें टू डू का टेक्स्ट आ रहा होगा, और एक लगाऊंगा स्पैन, स्पैन को दिखा दूंगा, इनपुट बॉक्स को छुपा दूंगा, जैसे ही बटन क्लिक होगा मैं उसको टॉगल करूंगा। टॉगल क्या करूंगा कि इनपुट बॉक्स जो छुपा हुआ था उसको दिखा दूंगा और स्पैन को छुपा दूंगा, तो बंदे को देखने वाले को लगेगा कि ये टेक्स्ट जो था ना यही कन्वर्ट हो गया इनपुट बॉक्स में। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, एक अदर स्पैन बना लेता हूँ, ठीक है, ये मैंने इसको क्या बना दिया, स्पैन बना दिया। इस स्पैन को कोई ना कोई आईडी भी देनी होगी मुझे, जब भी तो छुपा पाऊंगा ना मैं इसको, ठीक है, देते हैं अभी उसको आईडी हम ज़रा, ठीक है, एक स्पैन बन गया ये। अच्छा, इस स्पैन के फौरन बाद मुझे क्या बनाना है, एक अदद इनपुट बॉक्स बनाना है, और इस इनपुट बॉक्स के अंदर क्या होता है, इनपुट बॉक्स तो सेल्फ क्लोजिंग होता है, सही है, इस इनपुट बॉक्स के अंदर वैल्यू करके जो चीज़ हम दे रहे होते हैं वो कहाँ पे आ जाती है, वो उसके अंदर लिखी भी आ जाती है, सही है, वैल्यू करके जो देते हैं। अच्छा, इसको भी मुझे एक आईडी देनी पड़ेगी, जब भी तो इसको विजिबल करवा पाऊँगा मैं, इसको आईडी मुझे क्या देनी चाहिए बताओ, इसको आईडी क्या देनी चाहिए मुझे, अगर मैं इसको आईडी दे दूं ये वाली जो टूडू की आईडी है तो सही नहीं रहेगा, जो टूडू की आईडी है वही इसको भी दे देता हूँ मैं, ताकि क्योंकि एडिट के बटन पे मुझे वो आईडी मिलती है ना, तो इस आईडी के ज़रिए मैं मुझे पता है कि यही आईडी इसकी भी, उसी से मैं उसको हाइड वो करवा दूँगा। अच्छा, तो फिर क्वेश्चन है कि मैं इस स्पैन को क्या आईडी दूँ, स्पैन को भी मैं वही आईडी दे देता हूँ, है दे दूँ, एक आईडी दो दो को तो दे नहीं सकता मैं, तो मैं काम करता हूँ इस पे ना छोटा सा टैक्स लगा देता हूँ बाहर, मैं कहता हूँ स्पैन डैश और वो आईडी, और यहाँ पे क्या लगा देता हूँ मैं, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं इनपुट डैश और आईडी, अलग अलग हो गई अब दोनों ही, अब तो सेम नहीं है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही होगी लेकिन ये समझ में आ जाएगा आपको। अच्छा, ये काम ना रिएक्ट में बहुत ईजिली होता है, ये करवाने का मकसद ये है कि जब मैं थोड़ा सा आपको रिएक्ट पढ़ाऊँ ना तो आपको बोले, आप बोले वाह मज़ा आ गया, ठीक है, ये मुश्किल इसलिए मैं बता रहा हूँ, ये तो करना है ना आपको, कोई ऐसी ऐप आज तक देखी है ज़िंदगी में जहाँ पे एडिट ना होता हो, समझा हुआ होता है, इससे कोई आसान अप्रोच समझ आ रही है तो वो मुझे बता दो, सबसे आसान अप्रोच है ये, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मैंने क्या किया यहाँ पे, बाय डिफॉल्ट एक स्पैन बना दिया और एक इनपुट बना दिया, दोनों के अंदर टू डू का टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है और दोनों के अंदर क्या आ रहा है, टूडू की वैल्यू भी आ रही है, सही है, ठीक हो गया। अच्छा, अब एक को मुझे करना है हाइट, इस इनपुट को मुझे क्या करना है, बाय डिफॉल्ट हाइट करना है, हाइट कैसे कर सकता हूं मैं बोलूंगा स्टाइल, स्टाइल और क्या, विजिबिलिटी हिडन, डिस्प्ले नन से तो फिर मसला हो जाएगा ना, डिस्प्ले नन से तो मसला हो जाएगा, आ जाओ देखते हैं। अच्छा, एक तो टू डू ही गायब हुए हैं सारे, दोनों ही नज़र आ रहा है देखते हैं अभी यहाँ पे लगा के क्या मैंने गलत कर दिया। ओके, अच्छा, विजिबिलिटी के नाम से कुछ भी नहीं होता क्या, ये है ना वो मेरा इनपुट बॉक्स, अरे ये क्या बकवास है, ओ हाँ, सेट टाइम आउट की वजह से वो गड़बड़ कर रहा है। वेल, मैं ऊपर जाके सीएसएस में लिख के देख लेता हूँ, असल में इंटेलिजेंस की इतनी आदत हो गई है ना, विजिबिलिटी हिडन नहीं होता यार, क्या होता है, डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले नन नहीं लगाना ना मुझे, हाइड करवाना है, एक मिनट, अच्छा हिडन ऐसे लिख दूंगा तो भी हाइड हो जाएगा, वायर क्या बात है, शो करवाने के लिए फिर डॉट हिडन को फॉल्स करवा देंगे, ये होगा शायद। अच्छा, ये तो मैंने लिखा था एचटीएमएल का, लेकिन सीएसएस से करवाते हैं वो ज्यादा सही है,
डिस्प्ले नन एक तो आ रहा है, डिस्प्ले नन से ना वो डॉम से पूरा गायब हो जाता है। अरे हाँ, मुझे डॉम से गायब ही तो करवाना है। क्यों रीज़न? अगर मैं सिर्फ हिडन करवाऊंगा तो ये जगह कैप्चर करके बैठा रहेगा ना इतनी। मुझे तो डिस्प्ले नन ही तो करवाना है मुझे। हाँ ना यार, डिस्प्ले नन करवाना है मुझे तो। अब क्या हुआ? अरे हाँ, ये मैं रिएक्ट में पहुंच जाता हूँ ना थोड़ा थोड़ी देर बाद। ये तो डबल कोटेशन में लिखते हैं ना इसमें, तो थोड़ा सा मैं रिएक्ट में पहुंच जाता हूँ। रिएक्ट में डबल ब्रैकेट करके लिखना पड़ता है। अच्छा, तो ये हो गया। अब एडिट के बटन के ऊपर ना कोई फंक्शन नहीं। अरे ये क्या, एडिट के बटन पर डिलीट ही कर रहा है वो। हाँ, डिलीट टू डू डला हुआ है इसमें। ठीक है, तो इसको मैंने करना है कि एडिट टू डू। सही है, इस नाम से अभी फिलहाल कोई फंक्शन नहीं है मेरे पास ना। अच्छा, तो इस वाले जो इस वाले आइटम को मैं क्या दे रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा जो है ना इसको, ये ईच टू डू पूरा का पूरा इसको दे रहा हूँ। सही है, अब देखते हैं ये ईच टू डू पूरा का पूरा इसको मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक हो गया। अब मैं एडिट टू डू के नाम से फंक्शन बना देता हूँ नीचे। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ से और मैंने कहा कि एडिट टू डू। सही है, एडिट टू डू में पूरा का पूरा टू डू मिलेगा मुझे। वो टेक्स्ट भी मिलेगा और आईडी भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा। सही है, और अभी मैं ये जो रिक्वेस्ट है वो उसको मैं होल्ड पे डाल रहा हूँ और इस टू डू को यहाँ पे कॉन्सोल डॉट लॉग करवा देता हूँ कि भाई इस टू डू में मिलता क्या है मुझे। सही है, क्लिक करवाने पे क्या वाकई मुझे वही चीज़ मिल रही है? देखो पूरा का पूरा मुझे क्या मिल रहा है। ओए हाँ, अच्छा इसके साथ मैंने कोई स्ट्रिंग नहीं लगाया ना। सही है, ताकि मुझे पता चले कि हाँ यार ये इसी जगह से आ रहे हैं ना। एडिट टू डू साथ में मैंने लगा दिया इसको। सही है, एडिट का बटन दबाया। नहीं, उसको मैंने रोका हुआ ना एग्जॉस्ट को। तो देखते हैं इसको ये अंदर क्या शो कर रहा है। ओके, आई सी। वो असल में हो ये रहा है कि यहाँ पे मैं जो भी चीज़ लिखता हूँ उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है ना वो, तो इसलिए वो ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, मुझे इसको स्ट्रिंगिफाई करना होगा। अच्छा, मेरा ख्याल है शायद अगर मैं सिर्फ आईडी भी दे दूँ मेरा काम तो हो जाएगा फिर भी है। अगर मैं सिर्फ आईडी भी दे दूँ इसको, क्योंकि वो टेक्स्ट तो ऑलरेडी उसमें टेक्स्ट बॉक्स में लिखा हुआ है पहले से, तो मुझे अगर सिर्फ आईडी भी यहाँ पे मिल रही है तो मेरा काम तो जब भी हो जाएगा। मुझे स्ट्रिंगिफाई करके वैसे मैं ले सकता हूँ पूरा भी अगर मुझे चाहिए तो, लेकिन अब मैं एडिट दबाता हूँ। हाँ, मुझे ये आईडी मिलना शुरू हो गई है ना इसकी। अब इस आईडी के ज़रिए मुझे जस्ट क्या करवाना है, इस आईडी के ज़रिए मैंने इस स्पैन को गायब करवाना है, इस इनपुट बॉक्स को दोबारा से डिस्प्ले करवाना है मैंने। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एक बटन भी होना चाहिए इस इनपुट बॉक्स के साथ है ना, लेकिन वो बटन अभी थोड़ी देर में बनाते हैं अब कंप्लीट अपडेट वाला जो बटन होगा हमारा, लेकिन पहले अभी उसको ज़रा डिस्प्ले तो करवाएं। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने करना ये है कि मैंने कहना है कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और क्या था मेरा इनपुट डैश टू डू, राइट, उसको मुझे ऐसे करना होगा। आईडी मिल रही है ना अब तो मुझे यहाँ। सही, अब मुझे आईडी मिल रही है। मैंने कहा आईडी यही था उस इनपुट बॉक्स का जो एड्रेस था, यही सेट किया था ना हमने। डॉट इनर एचटीएमएल नहीं, अब इसको मैं डॉट बोलूँगा, डॉट डिस्प्ले इन लाइन। सही है, अब ये होने से क्या होगा, देखो इनपुट डैश और आईडी यही नाम रखा था ना मैंने उसका, इनपुट डैश और ये आईडी, इसको मैं बोल रहा हूँ कि इसको क्या कर दो, जो डिस्प्ले मैंने किया था ना नन,
इसको डिस्प्ले क्या कर दो, चेंज कर दो, इसका डिस्प्ले इन लाइन कर दो। तो मैं एडिट दबाऊंगा जैसे ही, तो इसको डिस्प्ले हो जाना चाहिए था, क्यों नहीं हुआ भाई ये? हो तो जाना चाहिए ना। ओ आई सी, वो ऐसे नहीं होता ना जैसे मैंने किया है, इसमें होता है डॉट स्टाइल। ऐसे होता है आई थिंक। चलिए नहीं, डॉट स्टाइल डॉट नाम होता है। एडिट का बटन दबाया मैंने, ये लिखा हुआ गया है यहाँ पर, 5 सेकंड बाद तो गायब भी हो जा रहा है। सही है। अच्छा ये मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था, जो इंटरवल लगा के हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, दिस इज नॉट द गुड प्रैक्टिस, ये गुड प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। उसके आपको ये सम्राट नजर आ रहे हैं थोड़े थोड़े। अच्छा ये तो डिस्प्ले हो गया, मुझे इसको गायब भी तो करवाना है इसके पहले वाले को, तो मैं इसी नाम से गेट करूँगा इसको। मैं बोलूँगा स्पैन और इसका डिस्प्ले जो है ना वो क्या कर दे, नन कर दे। सही है। तो अब जब मैं क्लिक करूँगा ना तो ऐसा लगेगा कि क्या हो गया, वही टेक्स्ट इनपुट बॉक्स में कन्वर्ट हो गया, और 5 सेकंड बाद वो कैंसिल तो ऑटोमेटिक हो जा रहा है। तो कैंसिल कराने की हमें ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कैंसिल कराने में क्या होता है, इसका अपोजिट होता, वाइस वर्सा, जो हिडन है उसको नन कर देता, जो हिडन है उसको वो कर देता, सेट हो जाता हमारा काम, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास जब मैं एडिट दबाता हूँ तो इसमें बटन भी तो चेंज होना चाहिए ना साथ साथ, ये एडिट और डिलीट का बटन गायब हो जाना चाहिए, इसमें एक बटन आ जाना चाहिए अपडेट का बटन। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों गरीबों को भी आई डी देनी पड़ेगी, ताकि इनको भी मैं तो हिडन करवा सकूँ ना, ठीक है। इनको भी आई डी दे देते हैं चल के, वो 5 सेकंड का भी हल निकालते हैं अभी। इनको भी ना, इन दोनों को मैं क्या दे देता हूँ, एक एक अदद आईडी दे देता हूँ, इसको भी मैंने आईडी दे दिया, इसका आईडी का क्या नाम रखा मैंने, डिलीट डैश आईडी, सही है। और इसकी आईडी का नाम रखा मैंने एडिट डैश आईडी। मैंने कहा इन सबको गायब करा दो, सही है, डिलीट डैश आई डी, एडिट डैश आई डी, इन सबको गायब कराओ भाई। हमें जब वो इनपुट बॉक्स बन गया, ये सब किया गया। अब एक बटन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अपडेट का, जो फाइनल उसको हिट मारेगा, सही है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई क्या करें, अपडेट वाला जो है दोनों को शो करवा दें। अब इस अपडेट के नाम से वहाँ पे एक अदद मुझे बटन बनाना पड़ेगा, सही है। तो यहाँ पर मैं बल्कि एक काम करना चाहिए मुझे, शायद मुझे बजाय ये इनपुट बनाने के ना पूरा फॉर्म बनाना चाहिए यहाँ पर, है ना, ताकि वो एंटर प्रेस करने पे भी तो काम करे ना फिर वो, वरना तो वो एंटर प्रेस करने पे काम ही नहीं करेगा। तो मुझे यहाँ पे पूरा एक फॉर्म बनाना चाहिए, फॉर्म और ऑन सबमिट इसके ऊपर लगाता हूँ मैं। अच्छा अब ये सारा कुछ ना फॉर्म पे लग जाएगा, मतलब ये आईडी वगैरह ये सब ना फॉर्म पे लग जाएगा। कट किया मैंने इसको, क्योंकि अब फॉर्म पूरा का पूरा फॉर्म हाइड और शो हो रहा होगा ना, डिस्प्ले नन भी इस फॉर्म पे लगेगा, सही है। और इसका नाम भी मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर्म डैश कर देता हूँ ना, इनपुट डैश हटा के मैं कर देता हूँ फॉर्म डैश, ये अपडेट की अब ज़रूरत ही नहीं है मुझे। तो फॉर्म जब डिस्प्ले होगा तो उसके सारे बटन, उसकी सारी चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। और मैंने यहाँ पे लास्ट में क्या किया, एक अदद बटन बना दिया, ठीक है। टाइप इसकी मैंने लगा दी है भैया, आपकी जो है ना टाइप होगी सबमिट, और इसको मैंने बोल दिया कि अपडेट, ठीक हो गया। अब
देखते हैं जरा क्या रिपोर्ट है। रिफ्रेश किया मैंने, प्रॉपर आ गया, सही है, सब पे कर दिया, सब हो गया। अच्छा सर, बेनिफिट अब ये हुआ, दो तीन को मैं एक साथ भी अपडेट पे दबा सकता हूँ, हर का अपडेट का बटन अपना है, सही है। अच्छा अब इसका जो ऑन सबमिट मुझे एक चाहिए, इसका जो ऑन सबमिट होगा हमारे भाई वो क्या होगा, अपडेट टू डू, एक तो था एडिट का बटन था, एक अपडेट था, अपडेट टू डू कॉल होगा, साथ में क्या होगा रिटर्न फॉल्स, ताकि ये पेज को रिफ्रेश ना कर दे। अच्छा साथ में अंदर मुझे एक अदद आईडी देनी पड़ेगी ना इसको, अंदर मुझे एक अदद आईडी देनी पड़ेगी, तो वो यही वाली आईडी यहाँ पे मैं दे दूँगा, ये जो था ना मेरा, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा बटन प्रेस हुआ है, सही है ना, सबमिट कौन सा फॉर्म हुआ है। तो ऑन सबमिट में जब अपडेट टू डू चलेगा तो मुझे अंदर आईडी मिलेगी, तो इस आईडी से मैं क्या करूँगा, इसके इनपुट बॉक्स का जो है ना वैल्यू उठा लूँगा, सही है। मुझे एक आईडी यहाँ पर भी तो चाहिए ना, एक आईडी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इनपुट डैश वाली ना, इनपुट डैश वाली मुझे स्टिल यहाँ पे चाहिए, क्योंकि मैं इसकी वैल्यू तो उठाऊंगा ना, इसकी वैल्यू मैं इनपुट डैश करके उठा लूँगा। हाँ भाई कैसा हो गया गोल्ड अब अच्छा तो अब ज़रा एक काम करते हैं, ये जो अपडेट टू डू का है ना फंक्शन, इसको ज़रा चला के देखते हैं, अपडेट टू डू को अपडेट टू डू, सही है। और अपडेट टू डू पे मुझे ये आईडी मिल रही है राइट, इस आईडी को डिस्प्ले करवा लेते हैं कि अपडेट पे मुझे ये आईडी मिल रही है या नहीं मिल रही, सही है। मैं प्रेस करूंगा एडिट, ओए ये क्या हुआ, सही है अपडेट आईडी मुझे मिल रही है, सही है अपडेट आईडी मुझे मिलना शुरू हो गई है, परफेक्ट है भाई। अब ये अपडेट आईडी जब मैं प्रेस करता हूँ तो इस पर मुझे काम क्या करवाना है, इस पर मुझे काम ये करवाना है, पहले तो उसका वो उठवाना है, वैल्यू उठवानी है मुझे, और वैल्यू उठवा के, वैल्यू कैसे उठेगी, बिल्कुल इसी तरह उठेगी वैल्यू, इनपुट इनपुट डैश आईडी डॉट वैल्यू, इससे मुझे वैल्यू मिल जाएगी, लेट अपडेटेड टेक्स्ट, सही है ये इससे मुझे मिल गया। ये कैसे मिला, इनपुट डैश आईडी से, यहाँ पे मैंने क्योंकि यही इसको दिया हुआ है, ये ना इनपुट डैश टू आईडी, सही है यही मैंने इसको दिया हुआ है, इसलिए चाहिए मुझे। अच्छा और इसको मुझे कहाँ भेजना है, उठा के सर्वर पे भेजना है, सर्वर पे मैं कैसे भेजूँगा, एक्सियोस, एक्सियोस को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, सर्वर पे मैंने ये इसको भेज दिया सीधा सीधा, मैंने कहा भाई एक्सियोस डॉट पुट, और पुट के अंदर मैंने कहा टू डू स्लैश आईडी, ये आईडी मुझे यहाँ पे मिल रही है तो ये आईडी सीधा सीधा यहाँ पे चली जाएगी, साथ में मुझे उसको बॉडी देनी है, ठीक है पुट के अंदर बॉडी भी होती है साथ में, देख लेते हैं कि सेकंड में ही है ना बॉडी किस में है, वेल चलो अंदाजन दे देते हैं, टेक्स्ट इक्वल्स टू अपडेटेड टेक्स्ट, सही है। रिस्पॉन्स ये ही तो है, क्या होगा नहीं, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल होता है वो उसका लोकल वेरिएबल होता है, बाहर से उसका ताल्लुक नहीं है, ठीक है भाई। मैंने अपडेटेड टेक्स्ट इसको पास कर दिया यहाँ पे, उसके बाद मैंने कहा कि जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है ना सर्वर से उसको मैसेज वाले पार्ट पे डिस्प्ले करवा दो और दो सेकंड बाद उसको गायब करवा दो, इसमें क्या मैसेज आएगा, टू डू अपडेटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज आएगा। रिफ्रेश किया मैंने, मैंने इस वाले को एडिट करके ए बी सी यहाँ पे लिखा और अपडेट दबा दिया, अपडेट हो गया, ठीक है इसको मैं रिफ्रेश भी करूँगा तो ये अपडेट रहेगा,
ठीक है। साथ साथ ये जो मेरा सेट टाइम आउट था ना नीचे, इसको मैं बढ़ा के ज़रा ना 10 सेकंड कर देता हूँ, सही है, क्योंकि 5 सेकंड बहुत, एक तो फ्रीक्वेंट बहुत है। मैं इसके लास्ट वाले को आके एडिट करता हूँ और मैं कहता हूँ भाई एक्स वाई जेड एंटर टू डू अपडेटेड सक्सेसफुली। हाँ भाई हो जाएगा ना अब ये, नहीं ये असल में तुम समझोगे तो समझ आ जाएगा तुम्हें, बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा एक काम इसमें और रह गया, एक काम इसमें और ये रह गया, ओके एक काम इसमें यार क्या रह गया था हमारा, हाँ एक काम इसमें ये रह गया था, ये बेस यूआरएल वाला मसला, ये बहुत तंग किया हुआ था इसने ना, बेस यूआरएल वाला जो इशू था। अब इसमें होता क्या था कि यार आपको ना बेस यूआरएल बार बार हाथ से लिखना पड़ता था, फिर अब इसको क्लाउड पे भेजेंगे अब तो वो जाहिर है क्लाउड पे उसका चेंज हो जाता है यूआरएल। तो अब इसका कोई ऐसा हल होना चाहिए, कंट्रोल डी कोई ऐसा इसका हल होना चाहिए कि जो है ना ये एक वेरिएबल हो जाए बेस यूआरएल, ऐसे हो जाए, सही है। और बेस यूआरएल मैं टॉप पे ही बना दूं, एक मैंने कहा लेट बेस यूआरएल, इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, सही है बेस यूआरएल आपका ऐसे वाला हो गया। अच्छा और एक बेस यूआरएल आपने ये साइक्लिक का बना लिया https लगा के, और आपने कहा कि भाई app डॉट साइक्लिक डॉट जो भी उसका होता है स्लैश, सही है वो आपने यहाँ लगा दिया। एक बेस यूआरएल को आपने कमेंट कर दिया, एक वक्त में एक को यूज़ किया, जब क्लाउड पे भेजने लगे तो साइक्लिक वाले को ऑन कर दिया, जब लोकल चला रहे थे उसको ऑन कर दिया। लेकिन इससे भी बेहतर एक अप्रोच है, हाँ इफ एल्स लगा दिया जाए यहाँ पर, इससे बेहतर अप्रोच ये है कि इसमें इफ एल्स लगा दिया जाए, ठीक है। अब ये मैंने रिसेंटली पता नहीं कहाँ पे किया था, मैंने ये काम, वैसे तो बहुत सिंपल सी लॉजिक है लेकिन मैंने रिसेंटली ना किसी ऐप में ये काम किया था। यार ये मैंने कहाँ किया था, अभी तो किया था, क्या चीज ये की है, वेब डेवलपमेंट के डिफरेंट स्टैक्स होते हैं ना, तो मर्न उसमें से एक स्टैक है। हाँ पता नहीं बैच 8 में पता नहीं मैंने पढ़ाया था किसमें पढ़ाया था, एक दफ़ा इसमें भी देख लेता हूँ। यार मैंने पता नहीं कौन से में पढ़ाया था, वेल
अलग से कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन डॉट प्रोटोकॉल। हम इसमें ना देखो एक कंडीशन लगा सकते हैं बहुत ही सिंपल सी, कि मैं जिस ब्राउजर में इस वक्त खड़ा हुआ हूँ अगर ऊपर यूआरएल के अंदर ना https अगर आ रहा है तो इसका मतलब है मैं गिटहब पेजेस में हूँ, तो वहाँ से मुझे क्लाउड का यूआरएल हिट करना है। और अगर https नहीं आ रहा इसका मतलब है मैं लोकल होस्ट में हूँ, तो मुझे लोकल यूआरएल हिट करना है। आसान लॉजिक है ना ये। तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट जो लोकेशन होती है ना इसमें क्या मिल रहा होता है मुझे, मुझे ये मिल रहा होता है कि यार आपका जो है ना कॉन्सोल डॉट लॉग डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन। देखो अभी मुझे क्या मिल रहा है, फाइल मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन में मुझे फाइल मिल रहा है। अगर मैं इसको लाइव सर्वर पे चला दूंगा जो कि लोकल होस्ट 3000 पे चल रहा होता है, तो फिर मुझे देखो क्या मिलने लग जाएगा, यहाँ पर मुझे यहाँ पे मिलेगा HTTP, ठीक है। तो मैं इसको लगा दूंगा कि भाई अगर ये जो है HTTPS अगर है, अगर ये क्या है HTTP, अब इसमें टर्नरी ऑपरेटर लगाने लगाऊंगा, इसमें टर्नरी ऑपरेटर लगाऊंगा कि इफ दिस इक्वल्स इक्वल्स HTTPS, सही है, और कॉलन साथ में, कॉलन भी क्योंकि मिल रहा है इसमें, तो क्या किया जाए, क्वेश्चन मार्क बेस URL बना दिया जाए, वो वाला एस कॉलन स्लैश स्लैश और साइक्लिक डॉट ऐप जो भी आपका नाम है, ठीक है, इसी तरह होता है ना साइक्लिक का URL। एल्स एल्स में आपने लगाना है लोकल होस्ट 3000, शुरू में HTTP भी लगा देता हूँ, सही है। ये आपका मसला क्या हो गया, हमेशा के लिए हल हो गया ये वाला। अब ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक खुद ही देखेगा कि अगर आपके जो प्रोटोकॉल आ रहा है ऊपर वो HTTPS अगर आ रहा है तो वो क्या करेगा, साइक्लिक को हिट करेगा, और अगर HTTPS के अलावा कुछ भी है, फाइल है XYZ कुछ भी, तो लोकल सर्वर को हिट करेगा। तो ये आपका मसला क्या हो गया, हमेशा के लिए एक लाइन का कोड है, ये मैं किसी पता नहीं रिसेंटली किसी क्लास में किया था, भूल गया कौन सा। अब देखो मैं हिट करूँगा ना, ये ऑटोमेटिक लोकल सर्वर में मेरे भेज रहा है, रिफ्रेश रिफ्रेश किया मैंने, ये मेरे लोकल सर्वर पे सेव रिक्वेस्ट कर रहा है। लेकिन जब यही चीज़ क्लाउड पे भेज दूंगा मैं, गिटहब पेजेस पे भेज दूंगा, तो ऑटोमेटिक ये इस URL पे रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर देगा। ये समझ आई बात लास्ट वाली। अच्छा अब जल्दी से ना ये जो कोड मैंने करवाया है ये अपने हाथ से सब लोग जल्दी से अभी यहीं पे बैठ के लिखो, जो पहले से आपका लिखा हुआ कोड है उसमें इसको ऐड करो मज़ीद। चलो ये कोड मैं कुछ भी कर रहा हूँ गिटहब में, ताकि आप इसको देख लो।